नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लगातार व्यापारियों को धमकी और गोली चलाने की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने आज बाजार बंद कर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा भी धरने में शामिल हुए। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय नारायण लाल ने कहा कि धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन सुस्त है, इसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ रहा है। आए दिन व्यापारियों और डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले भी धरना दिया गया था, उद्देश्य प्रशासन को आगाह करने का था, परंतु उस धरने के बाद दो दिन के अंदर दो बड़ी घटनाओं से व्यापारियों के बीच खौफ का माहौल बन गया। आपने देखा होगा जो ठेकेदार बबलू सिंह की हत्या कर दी गई। हमारे SSP महोदय बार बार ये बात बोलते हैं कि मैं दो दिन 72 घंटा में 48 घंटा मामला को उद्भेदन कर दूंगा, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजूंगा, लेकिन हर एक दिन दो दिन के बाद घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे व्यापारी के घर पर गोलियाँ चलाई जा रही है, हमारे व्यापारियों से फ़ोन से धमकी दिया जा रहा है, हमारे व्यापारी दहशत में आज के दिन में है। हम व्यापार कैसे करें और इस तरह चलता रहा तो पूरे धन जिस तरह आज पुराना बाजार बंद है, पूरे हम लोग मीटिंग करके पूरे जिला में पूरे धनबाद जिला को बंद करेंगे। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद, हमारे माननीय पूर्व मेयर, हमारे कई और विधायकों को लेकर के हम लोग चाबी अपने दुकान का बंद करके जिला प्रशासन को सौंपते हैं। वही धरना के समर्थन में धनबाद विधायक भी बैठे और कहा, लगातार हो रहे घटना से यहाँ साबित होता है कि प्रशासन फेल है। वही धनबाद SSP चुनौती देते हुए कहा कि ये आप चुनौती को स्वीकार कीजिए या फिर चूड़ी पहनिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शाम को फिर घटना हो जाती है, कहीं न कहीं अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। व्यवसायियों के ऊपर गोली चलाया जा रहा है, चिकित्सकों से रंगदारी मांगा जा रहा है, ठेकेदार बबलू सिंह, टायर व्यवसायी रंजीत साहु, सब लोग की दिन दहाड़े दुकान में चढ़ के हत्या की जाती है और उसका वीडियो वायरल किया जाता है, तो इस बात का संकेत है घोर अराजकता व्याप्त हो गई है। सरकार भ्रष्टाचार में बिल्कुल आकंठ डूबी हुई है, उन्हें विकास और कानून से कोई मतलब नहीं है। हमारा मांग है कि हमें सुरक्षा भी चाहिए, विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना होगा, और नहीं तो ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को जल्द से जल्द गद्दी छोड़ना होगा। व्यापारियों के अंदर और डॉक्टर्स के अंदर डर बना हुआ, क्या लगता है कि क्या बिल्कुल डर खत्म करेंगे ना? हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार को जाने तक हम लोग बैठेंगे और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जनता के साथ है भारतीय जनता पार्टी और जनता की सुरक्षा की हम चिंता कर रहे हैं।